चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना काल में बिहार में सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में पहले चरण के मतदान 28 अक्टूबर को होंगे, दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को होंगे, तीसरे चरण के मतदान 7 नवंबर को होंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि बिहार में 3 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। पहला चरण 16 जिलों की 71 सीटों के लिए होगा और दूसरा चरण 17 जिलों की 94 सीटों के लिए, वहीं तीसरा चरण 15 जिलों की 78 सीटों के लिए होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 243 में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। आपको ज्ञात हो तो 2015 में राज्य में 6.68 करोड़ वोटर थे। इनमें 56% लोगों ने ही चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही हम बता दें कि कोरोना काल के दौरान मतदान में क्या क्या नियम बरते जाएंगे और क्या क्या नियम बनाए गए हैं वो इस प्रकार हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। हर मतदान केंद्र पर सिर्फ 1000 मतदाता ही वोट देंगे। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। कोरोना से संक्रमित मरीज मतदान के आखिरी दिन अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में वोट डाल सकेंगे। नामांकन के लिए 2 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार। चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ 2 लोग जा सकते हैं। उम्मीदवार को मिलाकर 5 लोग घर घर जाकर कैंपेनिंग कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव कोविड-19 के मौजूदा हालात में दुनिया भर में होने वाले सबसे बड़े चुनावों में से एक होंगे। महामारी ने जीवन के सभी पहलुओं में नई स्थितियां पैदा कर दी हैं। बिहार चुनाव नए सुरक्षा दिशा निर्देशों के तहत होंगे। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।